हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनु पांडे, वेलकम बैक टू कुकिंग विद मस्ती में, वेयर कुकिंग इज़ फन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे या सभी के घरों में या पंडालों में सत्यनारायण की पूजा की जाती है। बिना इनकी पूजा के गणपति की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। और सत्यनारायण की पूजा में जो उन्हें सबसे पहले भोग लगाया जाता है वो है उनका महाप्रसाद, रवे का हलवा। सो इसे किस तरीके से बनाते हैं, चलिए इसे हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम घी डालेंगे। सत्यनारायण की पूजा के लिए जो हम प्रसाद बना रहे हैं इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये बड़े 4 चम्मच डाले हैं और 1 केले के को मैंने पील करके उसे बारीक बारीक चॉप करके हम डालेंगे इस तरीके से। आप पहले ही इसे कट करके मत रखें, नहीं तो केला जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब इसे हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके हल्का ब्राउन और एकदम सॉफ्ट करके लेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा ब्राउन एकदम सॉफ्ट हो चुका है हमारा केला। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। ये मैंने 1/2 कप सूजी ली है और गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके इसे हम कंटिन्यू स्टर करते हुए पका के लेंगे। इसे हमें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, ये हल्का ब्राउन हो चुका है, पर इसे हमें अभी 3 से 4 मिनट और पकाना है। तब तक का साइड में मैंने 1/2 कप दूध और 1/2 कप मिल्क को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, हमारी सूजी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें जो मैंने बॉईल करके दूध और पानी को लिया हुआ ये इसमें डालेंगे। धीरे धीरे हमें डालना है, एक साथ नहीं, धीरे धीरे इसलिए डालना ताकि जो हमारी सूजी है वो दानेदार बने इस तरीके से। और ये जो वो हमने दूध और वाटर का कंटेंट लिया हुआ ये हमें पूरा यूज़ करना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू और बादाम कट करके रखे, थोड़े से किशमिश लिए हैं, ये तुलसी के पत्ते जो कि महाप्रसाद में यूज़ हो जाता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम शक्कर डालेंगे। इसमें मैंने 7 बड़े चम्मच शक्कर यूज़ किए हुए। अब शक्कर को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे, इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई किया हुआ है और ये देखिए, हमारा महाप्रसाद बन चुका है। इसमें सारे इन्ग्रीडियंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसी तरीके से हमें बनाना है ये। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दानेदार महाप्रसाद बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। और अगर आपको मेरा ये डिश पसंद आता तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।